मत्स्य पालन एक फायदेमंद खेती है जिसे आम आदमी आसानी से कर सकता है। खेती की तरह न तो इसमें अधिक मजदूरी लगती है, न ही बीमारी लगने की संभावना रहती है। अधिक वर्षा, ओले या पाले का डर नहीं रहता है। मत्स्य पालन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जरूरत पड़ने पर हर साइज मछली का मूल्य मिल जाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मछली कहां पकड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला अंतर्गत आने वाले दुधावा बांध में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। यहां सालाना करीब 80 लाख रुपए के मछली का व्यवसाय होता है, जबकि गंगरेल बांध व माद्दम सिल्ली में मछली का उत्पादन कम है। सालाना दोनों बांधों में 20-20 लाख का उत्पादन होता है, जबकि धमतरी जिले के सोंढूर बांध अभयारण्य क्षेत्र में आने की वजह से मछली पालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मछली उत्पादन से तीनों बांधों के आसपास रहने वाले अनेक परिवार को रोजगार मिलता है, जिससे जीवनयापन होता है। धमतरी जिले में गंगरेल, सोंढूर और माद्दम सिल्ली बांध है, जबकि सीमा क्षेत्र कांकेर जिले के दुधावा बांध भी है। इन चारों बांधों में से सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन दुधावा बांध में होता है। जल संसाधन विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर से जारी पत्र के अनुसार दुधावा बांध में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन है। जारी आंकड़ा के अनुसार दुधावा बांध में वर्ष 2020-2021 में 5,66,404 किलोग्राम है, जिसमें 95,918 नग मछली शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए है। वहीं वर्ष 2022-23 में 1,78,098 किलोग्राम मछली है, जिसमें मछलियों के 44,806 नग शामिल है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। इस तरह यहां सबसे अधिक मछली का उत्पादन दर्ज किया गया है, जबकि धमतरी जिले के प्रमुख गंगरेल बांध में वर्ष 2020-21 में जिसकी कीमत 5,66,000 रुपए है, वहीं वर्ष 2022-23 में यहां 90,000 किलोग्राम मछली का उत्पादन हुआ, 16,50,000 रुपए है। इसी तरह माद्दम सिल्ली बांध में वर्ष 2020-21 में 1,24,326 किलोग्राम मछली का उत्पादन हुआ है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है। इस तरह इन दोनों बांधों में दुधावा से कम मछली उत्पादन है। इन तीनों बांधों में कतला, रोहू, मृगल, कामन कार्प, लोकल मछलियां की प्रजातियां शामिल है, जिसका उत्पादन किया जाता है। मत्स्य विभाग का कहना है कि तीनों बांधों में मछली का उत्पादन बेहतर है। केज कल्चर सिस्टम से भी मछली का उत्पादन किया जाता है। इन बांधों में होने वाली मछली उत्पादन से आसपास रहने वाले परिवारों को मछली पालन से यहां रोजगार मिलता है। कैसे लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।